केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच झारखंड की जनता पिसती हुई नजर आ रही है। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि कोरोना संक्रमण की मार भी यहां कम पड़ती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो डीजल का रेट है और ये पेट्रोल का रेट है, लगभग ये 50 पैसे का अंतर है। 92 रुपये पेट्रोल है राजधानी रांची में, और ये प्रीमियम पेट्रोल है जो 96 रुपया 20 पैसा है, और यहाँ पे 91 रुपया 58 पैसा ये डीजल है। आप तस्वीरें देखकर खुद ही कल्पना कर सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर है, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच झारखंड की जनता पिसती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पे कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन करके यहाँ पर और एक तरह से विरोध कर रहे हैं, एक प्रतीकात्मक विरोध है। ये विरोध आपको दिखाई देगा पूरे देश में। आज पेट्रोल पंपों पर विरोध करके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो लगातार ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि जो स्थितियां हैं वो सुधर सके, और केंद्र सरकार जिस कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है और राज्य सरकार उस पर कहीं ना कहीं लगाम लग सके। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये रामेश्वर उरांव हैं और राज्य के वित्त मंत्री भी हैं जो इस समय यहाँ पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर रहे हैं और एक तरह से मांग कर रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार की ओर से जो टैक्स लगाए जाते हैं वो काफ़ी हैं। इस समय हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक दुबे हैं, उनसे जानते हैं। आलोक जी, ये जो प्रदर्शन है ये किस कारण है और क्या दिखाई देती है, केवल केंद्र सरकार दोषी है या राज्यों की भागीदारी भी है? कहीं भी राज्य सरकार दोषी नहीं, पूरी तरह से जिम्मेवार अगर कोई है तो केंद्र सरकार। आप कभी सुने 73 साल में कि प्रतिदिन कीमत बढ़ता हो, कभी 15 पैसा कभी 1 रुपया, और ये बढ़ते बढ़ते लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन पिछले 13 महीनों में 23 रुपये 90 पैसे पेट्रोल पर और 22 रुपये 60 पैसे डीजल पर बढ़ोतरी हुई। केंद्र सरकार जो रघुवर दास जी ने वैट लगाया था महागठबंधन की 1.5 वर्षों के शासनकाल में 1 रुपये का एक्स्ट्रा पेट्रोल डीजल पर कीमत नहीं बढ़ा, इससे बड़ी ईमानदारी हमारी और क्या हो सकती है। लेकिन आप केंद्र सरकार से पूछिए कि जब पेट्रोल 10 रुपये तक इंटरनेशनल खुदरा मार्केट में प्रति बैरल तक गया, क्या देश की जनता को उसका लाभ मिला? नहीं लाभ मिला। ऐसा शायद दुनिया में पहली बार हुआ होगा कि पेट्रोल डीजल की कीमतें 10 रुपये तक गई, लेकिन इन्होंने पिछले एक्साइज ड्यूटी में 8.5 लाख रुपये कमाए एक्साइज ड्यूटी में, और ओवरऑल 22 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से मुनाफा कमाया। ये कौन सा जस्टिफिकेशन है? ये देश के पीठ पर वार नहीं है, गरीबों का शोषण नहीं है, तो ये व्यापारी नहीं है, तो ये कौन सा है? ये बताइए, कोरोना संक्रमण के दौर में जनता जहां मर रही है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी, ये कितना नुकसानदायक है? ये बिल्कुल अन्याय है। मोदी सरकार निरंकुश हो गई है, और जिस तरह से देश भर के तमाम कर जो हैं पेट्रोल और डीजल में लादने का काम किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में क्रूड ऑयल का दाम कम है, लेकिन इनके एक्साइज ड्यूटी वैट ये सारे चीज़ जो है इसके मूल्य वृद्धि के कारण आज 100 रुपये से अधिक हो गया है पेट्रोल डीजल। हम इसको एक जन आंदोलन का रूप देंगे, जनता हमारे आंदोलन से कनेक्ट होगा, और हम विवश करेंगे केंद्र की सरकार को कि मूल्य नियंत्रित करे और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर मूल निर्धारण हो। कांग्रेस के आर्थिक मामलों के जानकार प्रदीप तुलसियान भी हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, ये जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी को बैलेंस करने के नाम पे ये जो महंगाई का बोझ लादा जा रहा है, ये आने वाले दिनों में कितना घातक हो सकता है? देखिए, इकोनॉमी को बैलेंस करने का मतलब यही होता है, या इकोनॉमिक स्थितियों के सुधार का मतलब यही होता है कि आम आदमी को उसके आवश्यकता के समान सुलभ हों और सस्ते दर पर हों। महंगाई बढ़ाने का मतलब है टैक्सेशन के माध्यम से बढ़ाएं या किसी और माध्यम से बढ़ाएं। जैसा हम देख रहे हैं आजकल सभी चीज़ों के भाव आसमान को छू रहे हैं, इसका मतलब आर्थिक समन्वय जो भारत सरकार का है वो फेल हो गया है, और रोज़ दाम बढ़ाकर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने का जो औचित्य वो बताते हैं वो उन्हीं के समझ में आ सकता है, जनता को समझ में नहीं आ सकता है। सारी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, मोदी सरकार आर्थिक स्तर पर फेल है, और अपने आर्थिक स्तर पर जो उनको नुकसान हो रहा है, घाटा रहा है, उसको आम जनता से भरना चाहते हैं, जबकि लोकतंत्र में, वेलफेयर गवर्नमेंट में सरकार की तरफ से आम जनता का घाटा पूरा किया जाना चाहिए।
ये तस्वीरें हैं, तस्वीरें खुद ही बयां करती हैं कि कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों पर विरोध करके एक तरह का संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और आगे ले जाया जाएगा। लेकिन सवाल बड़ा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के इस कर लूटने की जो लड़ाई है, उस लड़ाई में आम आदमी पीसता जा रहा है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। आज लालू जी का 74वां जन्मदिन है और परिवार के बीच जन्मदिन मना रहे हैं। इससे बड़ा खुशी राष्ट्रीय जनता दल परिवार को नहीं हो सकती है और हम लोग में भी काफ़ी खुशी है। हम लोग ने शुभकामना दी है कि लालू जी दीर्घायु हों और जल्द ही स्वस्थ होकर के हमारे बीच आएं, क्योंकि आज के परिवेश में राष्ट्रीय जनता के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो शोषितों, दलितों, अकलियतों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं, उनका जो है आज के डेट में बाहर आना अति आवश्यक है। क्योंकि पूरे देश में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कोहराम मचाए हुए है, उस कोहराम को अगर शांत करने वाला कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है माननीय लालू यादव जी। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी को जन्मदिन के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीर्घायु हों और हम लोग के बीच जिस प्रकार पूर्व की भांति रह करके ये काम करते थे, ये अभी और बहुत दिनों तक रहें ताकि जनता का प्यार दुलार उन्हें मिलता रहे और जनता उनके कार्यकलापों से अपने में उतारते हुए और आम जनता का सेवा करते रहे। और मैं यही अपील करता हूं झारखंड के लोगों से और पूरे पार्टी के पदाधिकारी के लोगों से कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो संदेश है कि गरीबों के बीच हमारे जन्मदिन पर भोजन कराया जाए, वही आज हम लोग भोजन करवाने का व्यवस्था यहाँ भी किए हैं और पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम हो रहा है। मैं रंजन कुमार, युवा अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल झारखंड का, और मैं आज बड़े हर्ष के साथ कहना चाहता हूँ कि आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के मौके पे मैं चाहता हूँ कि तमाम उनके चाहने वालों को, गरीबों को, दलितों को, अल्पियों को, स्वस्थों को, पिछड़े को, सारे का उम्र उनको लग जाए, चूँकि आज उनको देश की ज़रूरत है और देश में उनको रहना बहुत अनिवार्य है। इसलिए मैं उनकी उम्र लग जाए और इस तरह मैं उनको हार्दिक जन्मदिन पे हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।